भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा अस्थायों से भरा हुआ देश माना जाता है। कुंभ और अर्धकुंभ जैसे मुद्दों पर पूरे देश में राजनीति हो रही है, साथ ही फर्जी बाबाओं की लिस्ट का फरमान जारी हो रहा है। ऐसे में सक्षम न्यूज इंडिया की टीम पहुंची धार्मिक नगरी ऋषिकेश और स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से की खास बातचीत। चैत्र लेकिन लोग हैं, पर्व मनाते हैं, नए साल को भी मनाते हैं, पूरे देश में अलग अलग दिन इस पर्व के लिए हैं। मुख्य बात यह है कि पर्व मनाएं और पर्यावरण के साथ मनाएं। कोई पर्व हो पर्यावरण के साथ हो, कोई त्यौहार हो, हम हरियाली का उपहार पृथ्वी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, जिस तरह से देश की हमारी सरकार हो या फिर बहुत सारी संस्थाएं हो, गंगा को बचाने के लिए, गंगा को स्वच्छ करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाया गया, अलग से एक मंत्रालय बनाया गया, लेकिन उसके साथ काम चल भी रहा है, लेकिन क्या एक आम नागरिक की एक जिम्मेदारी होती है? किस तरह से आप बताना चाहेंगे गंगा को? देखिए, केवल सरकार के जिम्मे अगर किसी बात को सौंपा जाए, ये ठीक नहीं है। सरकार कहाँ कहाँ पुलिस खड़ी करेगी? सरकार यदि गलत करती है उसको टोकें, लेकिन खुद को भी तो रोकें। हमारा क्या कर्तव्य है कि हम जहाँ जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, इतना ही तो करना है कि मैं कार में बैठा, रिक्शा में बैठा, तांगे में बैठा, प्यास लगी, पानी पिया, बोतल खोली, पानी पिया और बोतल फेंक दी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, बदले सोच समय के साथ।